देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल छपरा के व्यवसायी प्रख्यात सीए अमित गुप्ता जी आज दर्जनों साथी के साथ राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा में, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा में, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के विचारधारा में आस्था व्यक्त करते हुए, विश्वास व्यक्त करते हुए आज बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल के सक्रिय सदस्य के रूप में उन्होंने सदस्यता ग्रहण किया। इस अवसर पर हम लोग के बीच उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री समीर महासेठ जी, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष परिहार से पूर्व प्रत्याशी रहे पार्टी के ऋतु जायसवाल जी, आपदा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भाई पीके चौधरी जी, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व डीजीपी अशोक गुप्ता जी, व्यवसायी प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश साहू जी, व्यवसायी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव, और इस कार्यक्रम में सभी लोगों को मोटिवेट करके इनके विचारधारा से प्रभावित करने वाले आयुष अग्रवाल जी जो प्रदेश महासचिव हैं, व्यवसायी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव दीपक कानू जी, सभी के बीच आज इन्होंने सदस्यता ग्रहण किया है। और पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि पार्टी का जो विचारधारा है उस विचारधारा को मजबूत करेंगे, और निश्चित रूप से यह दर्शाता है और झलकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रति वैश्य समाज का, व्यवसायी समाज का तेजी से रुझान बढ़ा है। आप जानते हैं वैश्य समुदाय को आज तक छला गया है, दूसरे पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक इसको वोट बैंक के रूप में यूज करने का काम किया है। तो आज तमाम बिहार के व्यवसायी वर्ग, नौजवान युवा साथियों एकजुट होके माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की और महागठबंधन में इंडिया में आस्था व्यक्त करते हुए आज ज्वाइनिंग किए हैं, और पूरी तरह से बिहार में इसी प्रकार से जो व्यवसायियों में रुझान है इस पार्टी के प्रति लगातार लोग जुड़ रहे हैं, और राष्ट्रीय जनता दल काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है। और निश्चित रूप से आने वाला समय में पार्टी की ओर से जो भी इस वैश्य समाज का भागीदारी है उसको मिलने का काम होगा। रणविजय साहू प्रधान महासचिव, आगे की राजनीति में हम लोग का उद्देश्य है कि वैश्य समाज को इस पार्टी के धारा से जोड़ना, और लगातार लोग जुड़ रहे हैं, और उन पार्टियों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि समाज को बधुआ मजदूर न समझे, यह समाज जो एक दानवीर भावा शाह का वंशज है दूसरे को देने का काम करता है। तो निश्चित रूप से समाज के लोगों ने, बिहार के लोगों ने निर्णय लिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हम लोग के माननीय नेता हैं और इनके नेतृत्व में लगातार इस समाज को भागीदारी मिल रहे हैं। समीर महासेठ जी माननीय मंत्री हैं, इसके उदाहरण है आपके सामने। रणविजय साहू जो छात्र जीवन से इस पार्टी में लगा हुआ था और आपके सामने में उदाहरण है। ऋतु जायसवाल जी उदाहरण है, पीके चौधरी जी उदाहरण है, सुरेश साहू जी उदाहरण है, आयुष अग्रवाल जी उदाहरण है, अशोक गुप्ता जी पूर्व डीजी साहब उदाहरण है। तो लगातार वैश्य समाज आगे बढ़ रहा है और पार्टी भी लगातार इस समाज को आगे बढ़ा रही है। रणविजय जी, वैसे समाज जो है राजद में बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, लेकिन जो नंबर ऑफ टिकट्स हैं, जब टिकट मिलने की बारी आती है तो उस समय कहीं कहीं आप लोग पीछे रह जाते हैं, तो क्या ये भागीदारी बढ़ेगी? और अगर मैं ये कहूँ कि अमित कुमार जी ने आपके पार्टी को ज्वाइन किया है, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो क्या उन्हें छपरा 118 विधानसभा से टिकट मिल सकता है? देखिए, निश्चित यह पार्टी हमेशा से कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और जो कार्यकर्ता इस दल में निष्ठा से काम करता है दल उसको सम्मानित करने का काम करता है। निश्चित रूप से अमित जी एक मेहनती हैं, कुशल व्यवसायी हैं, सीए भी हैं, तो आने वाला वक्त में बिहार के तमाम व्यवसायियों का होगा, और आह्वान करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि तमाम व्यवसायी एकजुट हो। और पिछले चुनाव में जो विधानसभा का 2020 का आम चुनाव था, 12 टिकट व्यवसायी समाज को मिलने का काम, और जब उपचुनाव हुआ इस बिहार में तारापुर से तो वहाँ भी अरुण साह को दिया गया, गोपालगंज में बगल में वहाँ भी उपचुनाव हुआ तो वहाँ भी
मोहन प्रसाद गुप्ता जी को दिया, इसका मतलब दर्शाता है कि राष्ट्रीय जनता दल लगातार व्यवसायियों के उत्थान के लिए, व्यवसायियों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर। जातीय जनगणना हो रही है, ज्यादा संख्या जो है वैसे समाज की है, निश्चित तौर पे जाति जनगणना जो हम कहते हैं बोलते हैं वो तो दिखेगा, कंप्यूटर पर दिखेगा, इंटरनेट पर दिखेगा, आंकड़ा दिखेंगे। तो आने वाला समय माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का यही उद्देश्य है कि जो समाज वंचित समाज है, समाज के मुख्य धारा से दूर है, उसको हम जोड़ के आगे भेजने का काम करेंगे।